हे दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज आज मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या ऐप से कितना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। यस गाइस, ऐप से आपने बहुत बार सुना होगा ऐप मार्केटिंग के बारे में, ऐप डाउनलोडिंग के बारे में, ऐप से शेयर करके अर्निंग के बारे में एंड लॉट ऑफ थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आप हमेशा देखते रहते हो यूट्यूब में। बट आज मैं आपको एक रियल एंड रियलिटी बताऊंगा कि आप कैसे ऐप से बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो बिना खुद की ऐप बनाए। सो गाइस, शुरू करने से पहले वीडियो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल का जो आइकन है ना यार, उसको दबा दो। बिकॉज उसको दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगी और आप डेली और डेली डेली अच्छी अच्छी वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो को कंज्यूम करोगे और जो अपना अर्निंग लेवल है उसको डेली डेली बढ़ाते जाओगे। तो मस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल का आइकन दबा लो। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज टियन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो गाइस, ऐप मार्केटिंग बिना खुद की ऐप बनाए, जैसा कि मैंने कहा कि यस, ये पॉसिबल है कि बिना खुद की ऐप बनाए बहुत ज्यादा पैसा निकाल सकते हो ऐप मार्केटिंग करके। बट वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले, ऐप मार्केटिंग है तो हमें तो ऐप चाहिए भाई, तभी तो अर्निंग होगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं लोग क्या करते हैं। अभी तक जो मार्केट में ट्रेंड चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कि ऐप बनाओ, एड मॉब में जाके देन उसको प्ले स्टोर में डालो एंड देन डाउनलोड कराओ। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लाइक अगर आपको ऐप बनाने नहीं आता तो आपको सबसे पहले ऐप बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा, या मैं कहूं कि ऐप बनाना बहुत ज्यादा इजी हो गया तो आप एक टेम्प्रोरी, एक सीधा साधा ऐप बना सकते हो। बट हर ऐप मार्केट में चलता नहीं है, ठीक है? आपको थोड़ा सा उसको एडवांस ले जाना पड़ता है चलाने के लिए। तो एडवांस लेवल का ऐप हर बंदा नहीं बना सकता, एक ऐप डेवलपर ही एक एडवांस लेवल का ऐप बना सकता है। तो ये होता है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म गेम, जहां आपको ऐप बनाना पड़ता है, फिर उसको प्ले स्टोर में ले जाना पड़ता है, देन उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है एंड देन जाके आपको अर्निंग आता है। बट अगर आपको खुद रेडीमेड ऐप मिल जाए और उसकी मार्केटिंग आप करो एंड उस मार्केटिंग का आपको पैसा दिया जाए, तो ये कितना इजी हो सकता है, राइट? तो गाइस, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से ऐप ले सकते हो एंड उसकी कैसे मार्केटिंग कर सकते हो और कैसे $1,000 इजी $1,000 आप, मैं कहूंगा कि आप हर हफ्ते भी जनरेट कर सकते हो। बट मैंने $1,000 का एक महीने का टारगेट आपको दिया है कि आप एक महीने में एटलीस्ट $1,000 आराम से निकाल सकते हो सिर्फ ऐप की मार्केटिंग करके। तो गाइस, वो कैसे होगी? सबसे पहले तो आपको यहां जाना है, इसका नाम है अबव ऑल ऑफर। तो आपको यहां जाके क्या करना है, आपको क्लिक करना है एफिलेट्स में। जैसे आप एफिलेट्स में क्लिक करोगे, सो यू नीड टू मेक योर अकाउंट हियर। ओके, सो आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना है। आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, टैक्स आईडी जो भी है, ठीक है, मतलब आपका पैन कार्ड एंड ऑल आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, एंड हो सकता है कि बहुत अलग अलग कंट्री से लोग देख रहे हैं, इंडिया में ये अवेलेबल है, आप इसमें बना सकते हो, ठीक है? और भी बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। आई थिंक नाइजीरिया में अवेलेबल नहीं है ओनली, सो नाइजीरियंस नहीं बना सकते, बट बाकी सब कोई इसमें अपना अकाउंट बना सकता है। सो यू नीड टू मेक योर अकाउंट हियर फर्स्ट। देन आपको क्या करना है, आपको इसमें से ऑफर पिक करना है ऐप का। ओके, जब आप एक ऑफर पिक कर लोगे ऐप का, सो आपको उसके बाद एक लैंडिंग पेज बनाना है अपने ऐप के लिए। बहुत ज्यादा सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं जिसमें $1 पर डाउनलोड का मिलता है, $1 पर डाउनलोड का, समझ रहे हो? $1 पर डाउनलोड का मिलता है। इवन आप इसमें एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हो अगर आपके पास कोई ऐप है तो। ओके, सो यहां पर $1 मिलता है एक ऐप डाउनलोड कराने का। अगर आप 1,000 डाउनलोड्स करा देते हो, 1,000 डाउनलोड्स, इसका मतलब है $1,000। गाइस, अगर आप डेली का, ठीक है, डेली का कुछ पैसा स्पेंड करते हो एफबी एड्स पे, 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए, ठीक है, मैं 500 रुपए लेके चलता हूँ, और डेली का अगर आपको 10 डाउनलोड भी मिल जाता है तो आपके होते हैं $10, मतलब 700 रुपए, 200 रुपए आपका फायदा, ठीक है?
लेकिन मैं बताऊं, जब आप 500 से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको 50, 60 और 100 डाउनलोड भी पर डे का मिलने लगे। ये डिपेंड करता है आपके एड पे कि आपने कैसा एड बताया है। घबराओ मत, मैं बताऊंगा कि आपको कैसा एड बनाना है, कहाँ लगाना है, सब बताऊंगा इसी वीडियो में। ओके, सो आपको लैंडिंग पेज कैसी बनानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसा कुछ लैंडिंग पेज बनाना है, आप इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को जहां लिखा है गेट योर फ्री वेबसाइट लाइक दैट, और इस तरह का बटन बनाना है, क्लेम योर बोनस वोनस जो आप देख रहे हो वो ऐसा नहीं लिखना है, डाउनलोड दिस ऐप एंड अर्न मनी लाइक दैट, जिस तरह का ऐप रहेगा उस तरह का आपको बताना है, और इस तरह का बटन लगाना है, क्लिक हियर टू कंप्लीट स्टेप एंड डाउनलोड लाइक दैट, तो आपका लैंडिंग पेज है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। गाइस देखो, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको और भी उदाहरण चेक करना है कि लोग कैसे बनाते हैं ऐप डाउनलोडर का लैंडिंग पेज। देखो गाइस, ये बहुत सक्सेसफुल कैंपेन्स होते हैं बिकॉज ऐप डाउनलोडिंग इट्स सो इजी, यू नो, कि बस एक क्लिक और डाउनलोड। तो आप कोई अच्छा खासा 10, 15, 50 MB का एक ऐप अगर आपको मिल जाए और उसके लिए आप एक अच्छा सक्सेसफुल लैंडिंग पेज बना लो और उसमें एक डाउनलोडर का बटन लगा दो और अच्छा ऑफर दो, तो लोग आराम से क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे आपके ऐप को, और इससे उनको भी फायदा होगा अगर वो ऐप उनके लिए होगी, बिकॉज आप यूज करोगे फेसबुक का एड्स मैनेजर। तो एड्स मैनेजर जब यूज करोगे तो बेसिकली वो टारगेटेड एड्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऐप, तो वो उनके भी लिए वैल्यूएबल रहेगी और आपको पर डाउनलोड का $1 भी मिलेगा। तो 1000 डाउनलोड अगर आप महीने में करा देते हो, 30 दिन में 1000 डाउनलोड, आई थिंक बहुत ज्यादा ईजी है। तो अगर आप उसको कराने में सक्सेसफुल रहते हो तो आप इजी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप 500 700 डॉलर डेली के खर्च करते हो एड्स पे, तो आपको नहीं भी तो आराम से 200 300 या 400 डाउनलोड इजी इजी आएगा। गाइस देखो, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया कि ऐसे ऐसे करना है, अब आपको इस पे रिसर्च करना है, गूगल करना है और देखना है कि और कैसे लैंडिंग पेजेस बनते हैं, डाउनलोडिंग पेजेस बनते हैं, एंड उस प्रकार का आपको लैंडिंग पेजेस एंड डाउनलोडिंग पेजेस बनाना है। अगर आपके पास बिल्डर अवेलेबल है तो बिल्डर में आपको जाना है और यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं जहां पर बताया गया है कि कैसे ऐप डाउनलोड का लैंडिंग पेजेस बनाना है, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ओके, अगर आपको बिल्डर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक सर्विस टूल है, एक डिजिटल मार्केटिंग टूल है जो आपको हर प्रकार की सुविधा देता है, लाइक लैंडिंग पेजेस, फनल, ईमेल मार्केटिंग एंड ऑल। अगर आपके पास है तो आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। ओके, एंड देन आपको लैंडिंग पेज के बनाने के बाद लास्ट जो काम करना है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, जिसका मैं यहाँ पर अभी पूरा सेगमेंट आपको बता रहा था। तो एडवर्टाइजमेंट करना है आपको, एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है ये चीज दैट इज कॉल्ड फेसबुक एड मैनेजर, जहां पर आप आराम से 100 रुपए से भी एड लगाना है या 40 रुपए में कहूँ तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है ऐप मार्केटिंग में आके ऐप से अर्निंग करने का। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, दूसरा प्रोसेस ये कि आपको यहाँ पर आके एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाना है, आप फ्री में ही बनाओ या पेड बनाओ, पेड बनाओगे तो ज्यादा सुविधा मिलेगी, अच्छा लैंडिंग पेज बनेगा, एंड देन आपको जो लास्ट चीज है दैट इज कॉल्ड फेसबुक एड मैनेजर, इसको बस लगाओ और आराम से पैसे कमाओ। ओके, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मनी। सो गाइज, ये बहुत अच्छा मेथड है, मैंने देखा है काफी लोग इसे डेली के 1000 1000 डॉलर भी अर्न कर रहे हैं जो बाहर से हैं, हमारे इंडिया से नहीं है बट वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेथड वर्केबल है, तो आप ये मेथड भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो ऐप के बारे में ज्यादा जानती भी है, तो आप इस बिजनेस से काफी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।